नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नारोदा पाटिया केस में कोर्ट में अमित शाह ने बड़ी गवाही दी है। अमित शाह ने कोर्ट में माया कोडनानी के समर्थन में गवाही दी। शाह ने कोर्ट को बताया कि गोधरा में मारे गए लोगों को जब 28 फरवरी 2002 में गुजरात की विधानसभा में श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तब माया कोडनानी सदन में मौजूद थी। ये भी बता दें आपको कि नारोदा पाटिया हिंसा मामले में माया कोडनानी पर केस चल रहा है और इस बीच अमित शाह आज कोर्ट में गवाही देने पहुंचे और अमित शाह ने कोर्ट में माया कोडनानी के समर्थन में गवाही दी है। अमित शाह ने कोर्ट को बताया कि गोधरा में मारे गए लोगों को गुजरात विधानसभा में जब श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तब माया कोडनानी सदन में मौजूद थी। हालांकि ये पूरा मामला भी हम आपको इस बीच बता दें, गुजरात में साल 2002 में नारोदा पाटिया दंगों के मामले में गवाही के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज अहमदाबाद की एसआईटी कोर्ट में पहुंचे, जहां पर अमित शाह ने कोर्ट को यह बताया कि हिंसा वाले दिन माया कोडनानी विधानसभा में ही मौजूद थी। हालांकि इस मामले में दोषी करार दी गई इलाके की पूर्व विधायक और तत्कालीन मोदी सरकार में मंत्री रही माया कोडनानी की अपील पर ही कोर्ट ने अमित शाह को समन जारी किया था। आपको बता दें, नारोदा पाटिया दंगों में 11 मुस्लिमों की हत्या हुई थी, जिसमें कोडनानी को दोषी पाया गया और इस मामले में कोर्ट में पहले ही कोडनानी को उम्र कैद की सजा सुना चुका है। हालांकि कोडनानी खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत पर बाहर भी हैं। माया कोडनानी ने कोर्ट में ये साफ तौर पर कहा था, बयान दिया था और कहा था कि जिस वक्त नारोदा गांव में दंगे हो रहे थे, उस वक्त वो अमित शाह के साथ अहमदाबाद में मौजूद थी। कोडनानी के इसी बयान पर कोर्ट ने अमित शाह को बतौर गवाह बयान देने के लिए आज हाजिर होने को कहा था और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी अदालत में ये सुनवाई 4 महीने में पूरा करने को कहा था। और जैसा कि हमने आपको बताया कि नारोदा गांव नरसंहार 2002 के 9 बड़े सांप्रदायिक दंगों का मामला है, ये उनमें से एक ऐसा मामला है जिसकी जाँच विशेष जाँच दल यानी एसआईटी कर रही है।